गाय दूध नहीं देते जी सांड देते हैं दूध आम लोग गांव में तो हमारे किसान साथे स्वभाव के आदमी है उनको पता ही नहीं है कि बुल से क्या क्या चलता है अरे हो जाएगी कोई बात ना जैसा बीज बोंगे वैसे बीज तो, तो हमने ये बोना बो दिया लंबे ऊंचे कहाँ से पाओगे बोए पेड़ बबूल के हम बुआ कहाँ से खाए बढ़िया दूध वाली गाय पंद्रह सोलह लीटर की भी है और ये तो हमारी बाईस तेईस लीटर की मेरी सलाह तो इसकी देखो मेरा जहां तक सोच है मेरी चौबीस लीटर भी परमात्मा करे ये ठीक ठाक रहे चौबीस लीटर तक की मेरे इसके अनुमान है कौन कहता है कि देसी गाय ज्यादा दूध नहीं देती लेकिन दूध गाय नहीं देती बल्कि दूध देता है सांड। जी हाँ ये बात सही है और इस बात का क्या अर्थ है ये जानने के लिए रेणु सांगवान की पूरी बात सुनना जरूरी है पिछली फिल्म में हमने दिखाया था कि रेणु सांगवान लगभग 100 देसी गायों की डेयरी सफलतापूर्वक चला रही है इस फिल्म में रेणु सांगवान बताएंगे कि आपकी देसी गाय ज्यादा दूध कैसे दे सकती है और गायों की नस्ल सुधार के लिए क्या जरूरी है तो चलिए देसी गाय डेयरी पालन में सफलता का राज जानते हैं रेणु सांगवान से टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हाँ जी जो देसी गाय कहते हैं दूध बहुत कम देती हैं लेकिन आपके पास मैं देख रहा हूँ अच्छी गाय कितना दूध दे देती है देखो जी बढ़िया दूध वाली गाय पंद्रह सोलह लीटर की भी है और ये तो हमारी बाईस तेईस लीटर की मेरी सलाह तो इसकी देखो मेरा जहाँ तक सोच है मेरी चौबीस लीटर भी परमात्मा करे ये ठीक ठाक रहे चौबीस लीटर तक की मेरी इसके अनुमान है कौन सी नस्ल की गाय है ये का पीला जी आप जो कहते हो कि दूध अकेली क्या जिस तरह हमारे बुल है सांड गाय दूध नहीं देते जी सांड देते हैं दूध क्योंकि सांड से उसकी क्रॉसिंग अच्छी होगी अच्छे बुल से होगी तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा मेरे को हम जिस तरह आप देखा होगा अपने वो जो बच्चा बच्चा दिखाया था ये बुल तैयार कर रहे हैं उसको हम पहले भी हम दो बुल तैयार करे ये अपने खुद के तैयार किए हुए बुल है अच्छी दूध वाली के गिर ये मेरी गिर गाय है देखो दो लाख की मैंने खुद खरीद दी थी ये ये अब आठ नौ महीने की ब्याई हो चुकी अब भी इसका बारह तेरह लीटर दूध है मतलब दूध पंद्रह लीटर से ऊपर ऊपर है अच्छी गाय का गा। हाँ जी बिल्कुल अच्छी गाय का है और बुल अच्छा होना चाहिए उसके साथ डाइट भी अच्छी और बुल अच्छा हो यह नहीं की हम गाँव वाले से चलने फिरने वाले से कहीं से भी क्रॉस करवा दे तो ये आपने है? जो बात कही क्योंकि अक्सर देखा जाता है गाय की ब्रीड इसलिए खराब हो गई क्यूँकी बुल से अच्छे से हाँ बुल से अच्छे से क्रॉस नहीं होती क्योंकि देखो हमारी गाय जंगल में जाती है गाँव में जो सांड थे वो हमने इकट्ठे करके गौशाला में भेजिए सरपंच से मोर लगवा के क्योंकि वो नस्ल बिगड़ रही थी उनसे गांव के बीच में गए कोई सी भी गैया क्रॉसिंग के लिए आई तो वो क्रॉस कर देते फिर हमारी तो नस्ल बिगड़ती ना तो हमने वो बुल इकट्ठे कर करके गौशाला में भेज दिए हमारे पास अपने बुल है पांचों नस्ल के बुल है अगर किसी की जरूरत पड़े तो अपने जो बीज आता वो है वो बीज रखवाते हैं साईवाल का भी है गिर का भी है वो रखवा लेते हैं न मैक्सिमम गाय हमारी साडो से ही हो जाती है तो जो देसी गाय है वो से ही डायरेक्ट हाँ जी क्रॉस होती है हाँ तो जी देखो नस्ल देखो देसी देसी से हरियाणा से थार पार कर थार पार कर ही होनी चाहिए गिर गिर सांड से ही होनी चाहिए राठी राठी से ही होनी चाहिए जैसा बीज बोंगे वैसा तो काटेंगे बीज तो हमने बोना बो दिया लंबे ऊंचे कहाँ से पाओगे बोए पेट बो कहा से खाए जो बोएंगे वो तो खाएंगे बीज तो हम अपने आप तैयार करना है ये तो मेहनत का काम है किसान की कमाई बहुत टेढ़ी कमाई इससे खून पसीने की कमाई पूरे संसार में किसी की नहीं होगी इतनी मेहनत देखो मैं सारा काम ठेके पे कर रहे लेकिन फिर भी मेरे को तीन बजे उठना ग्यारह बजे सोना मेहनत बहुत ज्यादा भाई मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं हासिल हो सकता तो मतलब अच्छी ब्रीड तैयार करने के लिए अच्छे बुल का होना जरूरी बहुत है। जरूरी है अच्छे बुल का होना अगर बुल नहीं होगा तो अच्छा हमारे को रिजल्ट नहीं मिल सकता अच्छा तो ब्रीड खराब इसीलिए होती है हाँ जी इसीलिए होती है आम लोग गाँव में तो हमारे किसान साधे स्वभाव के आदमी है उनको पता ही नहीं है की बुल से क्या क्या चलता है अरे हो जाएगी कोई बात ना हमारे पास जो गांव से ले कहते कई बार साई गाय को क्रॉस करवाने के लिए मैं देखू मका जी साईवाल तो नहीं आपकी दो अगली है हम नहीं छोड़ बोले क्यों बेटी छोड़ दे न माना काका आप ले जाओ मारे सांड खराब हो जाएगा हम छोड़ते नहीं जी ये सच्चाई है मैं ना छोड़ने दू मतलब उनको ये जानकारी नहीं की साईवाल की तो कौन सी सोचा बस गाँव पे आनी चाहिए चक्की से तय हाँ, हो जाओ कैसा भी हो ये ध्यान नहीं वो ये ध्यान नहीं देते कति भी इसीलिए ब्रिड हाँ इसीलिए अरे यो न्यू मतलब है मतलब हमने देसी गाय दूध और घी पे थोड़ा सा वो चल रहा है डाउट कम दूध है कम घी है कम ये है ये क्रॉसिंग के कारण बुल अच्छे नहीं है इसीलिए आप मैं देख रहा हूँ आपने बुल अच्छे ले आए हैं। हाँ पांचों बुल अपने हैं जी तो आपकी पशुपालक भाइयों को यही सलाह है की गाय दूध अच्छी तब देगी जब उसका बुल भी अच्छा हाँ, होना चाहिए तो बुल अच्छे का मतलब क्या है कि उसकी माँ ने अच्छा हाँ, दिया हो उसकी माँ मान लो आप इसी का बुल लगा लिया मैंने ये मेरी गाय बाईस लीटर की गाय है अगर इस गाय ने मेरी ने बाईस लीटर मेरे को दूध दिया इसका बच्छड़ा मैंने तैयार कर दिया सारा दूध पिला के फिर आगे जाके ये बुल बनेगा फिर जो इससे बच्चे जो गाय क्रॉस होंगी वो इससे बेस्ट रिजल्ट देंगी अभी तो हम काम कर रहे हैं इससे जो हम चाह रहे हैं ना वो काम तो अभी दस साल और लगेंगे जो हमारे मन में है और देखो ऊपर वाले की क्या इच्छा है ब्रीड डेवलपमेंट में टाइम लगता हाँ, है। हाँ टाइम लगता है क्योंकि जैसे आपने बताया भाई बुल भी अच्छा वो होता है जिसकी माँ ने बहुत अच्छा दूध दिया हाँ। हो और वो बछड़ा भी उस अच्छे बुल से क्रॉस हुआ हो हाँ, बिल्कुल तब वो बछड़ा आगे बुल बनेगा हाँ, तो हाँ। फिर आगे नसल हाँ, फिर नसल फिर नसल सुधरेगी जी तो इसमें पाँच छह सात आठ साल लग जाते हैं लेकिन आपका कोशिश है कि भाई अच्छी नस्ल के अच्छी नस्ल के तैयार हो और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट हमारे को मिले और हमारे से और किसान भाई भी सीखे भाई देखो जमीन तो इतनी रही नहीं जमींदार के पास और नहीं नौकरियाँ रही तो क्या करेगा गरीब आदमी पशु के सारे अपना रोजी रोटी का खर्चा आराम से चलता है मेहनत करोगे तो खूब अच्छा निकलता है जी और दो भाइयों को रोजगार भी मिलता है बहने हो बहनों को भी मिलता करने वाला हो लेकिन करना तो पड़ेगा भाई कोई भी कंपनी चलाओगे मेहनत की जरूरत है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।